हाँ जी बीकॉम वालो, सीसीएस यूनिवर्सिटी वालो, लाडलो लाड लियो, क्या हुआ मेरे बेटा? बड़े दुखी दुखी रहते हो, बड़े परेशान से हो। जब हम समझा रहे थे ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, पढ़ लो पेपर होंगे, तो तब तो तुम्हारे आपस में वायरल हो रहे थे मैसेज एक दूसरे को, नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे। रेगुलर समझाया गया था बेटा पढ़ लो, होंगे एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड ईयर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एक बार को फर्स्ट ईयर में तो देखें हम तो मैक्सिमम सिलेबस आपको ट्वेल्थ वाला टच कर लेता है, लेकिन सेकंड थर्ड ईयर कैसे प्रमोट कर देंगे, पॉसिबल नहीं होता। उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने आपको बोला था कि बेटा इस बात के हाई चांसेस हैं पेपर होंगे, तो आप लोग मज़े ले रहे थे कि नहीं होंगे सर नहीं होंगे, क्यों मेहनत करवा रहे हो, क्लास भी नहीं ले रहे थे ढंग से, और अब परेशान हैं। दो परेशानी हैं, पहली बात तो पेपर नहीं होने चाहिए थे वो हो रहे हैं, एक परेशानी तो ये हो गई। दूसरी दिक्कत ये भी है कि पेपर जो डेढ़ घंटे का होगा हमें ये ही नहीं पता उस पेपर में क्या आएगा। स्कूल वाले टीचर से पूछते हैं, इधर उधर पता कर रहे हैं, तो सब कह रहे हैं जी पेपर तो पूरा आएगा, तो करना क्या है, कौन सा पेपर आएगा, कैसे आएगा? तो मैं बता देता हूँ आपको मेरे बेटा, जो बीकॉम का अब जो पेपर आने वाला है, जो बीकॉम का पेपर होगा, वो पेपर आपका एज इट इज आएगा जैसे अब तक आता था। मान लेते हैं कि 100 ही नंबर का पेपर आ जाएगा, लेकिन जिस पैटर्न पे अब तक आता था उसी पैटर्न पे 100 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन उसमें से आपको 50 नंबर का ही करना है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, आपकी चॉइसेस बढ़ जाएंगी, आपको ज़्यादा चॉइस दी जाएंगी। आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन आते थे, टाइप ए क्वेश्चन और टाइप बी क्वेश्चन। जो टाइप ए के क्वेश्चन होते थे वो 4 नंबर वाले 10 क्वेश्चन होते थे, और बाकी क्या होते थे, 15-15 नंबर वाले 4 क्वेश्चन होते थे। तो इस तरीके से 40 नंबर के छोटे क्वेश्चन और 60 नंबर के बड़े क्वेश्चन, कुल मिला के 60 मार्क्स का पेपर आपका 60 नंबर का पेपर हुआ करता था। 4-4 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, 15 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, इस तरीके से 60 नंबर आपके इम्पोर्टेंट थे, आया करते थे, इस तरीके से आपका पेपर हुआ करता था 60-40 का। अब कैसे होगा मेरे बेटा, अब ये हो जाएगा कि आपको यहाँ जो 10 क्वेश्चन आएंगे, इन 10 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब आपको चॉइस मिल जाएगी। इधर जो 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन आते थे, अब वो 4 क्वेश्चन नहीं करने हैं, उसकी जगह आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरीके से 20 नंबर के अब रह जाएंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन, और इस तरीके से 15 नंबर के अब रह जाएंगे को 2 क्वेश्चन जो 30 नंबर के हो जाएंगे। तो कुल मिला के अब इस तरीके से आपको 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ये प्रायोरिटी, ये जो हमने अपने सोर्सेस से पता लगाया है उसके हिसाब से ये पैटर्न आपका होगा। इसके अलावा चॉइस किस तरीके से होगी, किन में से चॉइस मिलेगी, तो जो भी इनविजिलेटर आपकी क्लास में होगा वो आपको वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, और आपको इस पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? पेपर 3 घंटे की जगह अब 3 आवर्स की जगह आपका जो पेपर होगा बेटा 1.5 आवर्स का होगा, मतलब अब आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। पहले आपको 180 मिनट मिला करती थी, अब आपको 90 मिनट मिलेंगी, तो उतना पेपर भी कम हो जाएगा, चॉइस बढ़ जाएंगी। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस आपको पूरा ही कवर करना है, तो और मज़े आ जाएंगे। जब सारे सिलेबस में से 100 मार्क्स का पेपर बना है उसमें से 50 करने हैं, तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अब जो बच्चे पढ़े नहीं हैं, सर हम तो पढ़े ही नहीं हैं, हम कैसे पेपर देंगे,
हमने तो क्लासेस को भी हवाबाजी में ले लिया था और पढ़ा ही नहीं ढंग से, स्कूल की क्लास भी नहीं ली, और जो हम पढ़ा रहे थे अपनी एप्लीकेशन पे, जो क्लासेस हमारी चलती हैं वो भी जिन बच्चों ने नहीं ली थी उनके लिए, बेटा अब हम यूट्यूब पर, तब तक आपके पेपर होंगे, हम अपने चैनल पर क्लास अपलोड करेंगे, केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम वहाँ कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो हाईली रेटेड थ्योरी या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में आपके में आ सकते हैं, चांसेस हाई हैं उसके हिसाब पे, क्योंकि आपने कुछ किया तो है नहीं, तो जो मैं करवा रहा हूँ उसको कर लो, बहुत अच्छे से आएंगे। बस करना क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं, जो मैं प्लेज चला रहा हूं आपके लिए, एग्ज़ाम प्लेज कि आप करें ही लेंगे, मतलब ये हम सौगंध खाते हैं कि हम कर लेंगे, तो उसके लिए आपका अब हमें टाइम चाहिएगा, और इवन इसी से काम नहीं चलेगा कि आप ही देखें, आपको अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर करनी है, उनसे भी चैनल सब्सक्राइब कराना है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हम उतना ज़्यादा आपको सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, तो आप भी जुड़िए ताकि हमें भी लगे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता के चलेंगे, उन्हीं में से मैक्सिमम पेपर आएगा, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बेसिस वही रहेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में समझाऊंगा और उस तरीके से कराऊंगा कि आप कॉन्सेप्ट भी पकड़ लें, उतना उतना याद कर लें और क्वेश्चन आसानी से हो जाए। अब बात करते हैं डेट शीट की। अगर आपके पास डेट शीट भी नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट शीट, कोई इतना अच्छा बच्चा है कि उसके पास डेट शीट भी नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ, हमारे जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हैं बेटा 3/7/21 जो कि दिन पड़ रहा है सैटरडे, उस दिन हमारा कंपनी लॉ का एग्ज़ाम है और इसका जो कोड होता है वो होता है 201। तो 3 तारीख को एग्ज़ाम है कोड नंबर 201 का, कंपनी लॉ की क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और गारंटी है यहीं से आपको मिलेगा। उसके बाद हमारी स्कीम है 6/7 यानी कि 6/7/21 में जो हमारा एग्ज़ाम होगा, उस दिन पड़ता है मेरे बेटा ट्यूसडे, और ये एग्ज़ाम होगा हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का, और इसका कोड होता है C202। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमारा एग्ज़ाम है 8/7/21, ठीक है, और ये एग्ज़ाम है थर्सडे को, ठीक है, ये एग्ज़ाम है हमारा, ये कैसे हो गया ट्यूसडे वेन, हाँ थर्सडे को, ये हमारा थर्सडे को एग्ज़ाम है, और ये हमारा है मेरे बच्चे प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और इसका कोड है 203। कंपनी लो कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे, आप ही लर्न करेंगे, तो टच में रहें ताकि जिस क्लास में, किसी भी क्लास में बता सकता हूँ तो जिस भी क्लास में मैं बताऊँ तो आप अच्छे से कर लें। तो 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर, फिर 10/7/21 यानी कि सैटरडे, कुड़ी सैटरडे, सैटरडे नहीं करती अब, सैटरडे में अब कुड़ी इनकम टैक्स करती है, क्योंकि पेपर है और कोड है C204, ठीक है, तो 10/7 यानी कि सैटरडे में, शनिवार में, इनकम टैक्स बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए दिन भी शनिवार का रखा है, गांव में कहते हैं बेटा तेरे ऊपर शनिचर चढ़ गया है, तो इससे पहले शनिचर चढ़ जाए तुम्हारे ऊपर क्लास ढंग से देख लेना। फिर आया थर्सडे, और थर्सडे में पब्लिक फाइनेंस जिसका कोड है C205, जिसका कोड है C205, उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 203 लिख दिया, 204 लिख दिया, 205 ना ना ना, यहाँ पर बेटा पब्लिक फाइनेंस नहीं है, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है,
तो फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चा आपका, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा 15/7, और ये 10 के बाद ये 13 है, ये 10 तारीख में और 13 तारीख में। बेटा मैं भी स्कीम देख के लिख रहा हूँ जो मेरे पास है वहीं से। 21 में फिर क्या होगा मेरे बच्चा, फिर हमारा एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम जो है थर्सडे नहीं है, ट्यूसडे है, ये ट्यूसडे में है और फिर थर्सडे में। दिन संडे मंडे याद नहीं कर रहे हैं हम, तो पब्लिक फाइनेंस ज़्यादा ड्रामा मत किया करो, गलत हो गया गलत हो गया। इतने भले होते तो अब तक पढ़ लेते सारा, ठीक है। उसके बाद आपका 17/7 में जो फिर से सैटरडे पड़ता है आपका फाउंडेशन कोर्स का, जो भी आपने फाउंडेशन कोर्स लिया होगा उसका एग्ज़ाम होगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, वो मुझे नहीं पता आपने क्या सेलेक्ट किया है। उसके बाद 22 तारीख में, 22/7/21 में दिन है थर्सडे का, और आपका क्वालिफाइंग कोर्स है ये जर्नल अवेयरनेस का, और इसका कोड है C010, ठीक है, C010 इसका एग्ज़ाम होगा। ये हमारी डेट शीट है BCom सेकेंड ईयर वालों की। आपकी क्लास जो ली जाएंगी कंपनी लो की क्लास आपको रेगुलर देंगे हम टिल एग्ज़ाम, इनकम टैक्स की क्लास भी आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लास जब भी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप रेडी रहें, हम स्केड्यूल करके रखेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आराम से टाइम मिलेगा आधा घंटे का, तो प्रिपेयर हो जाना उसी हिसाब से। और उसके बाद इनकम टैक्स, इनकी क्लासेस हम आपको, इनका कवरेज हम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कराएंगे, क्योंकि यही थोड़ा टिपिकल बैठता है पेपर में। बाकी का इन क्लास के बीच में कहीं भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लर्न कर लेना अपने घर से, ठीक है। तो हमारे चैनल अकाउंट्स हवेली को सब्सक्राइब करें, और हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे BCom सेकेंड ईयर की प्रॉपर क्लासेस। थर्ड ईयर के बच्चों के साथ भी शेयर कर दें वीडियो, क्योंकि उनकी क्लासेस भी उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन थर्ड ईयर में MCQ है तो उसको इतना मुश्किल काम उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पता था हमारे कैंसिल नहीं होंगे, तो उन्होंने तो रेगुलर क्लास ली थी थर्ड ईयर वाले बच्चों ने, तो वो सिंसेयर हैं थोड़े से। आप लोग ही थोड़ा ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से डैमेज कंट्रोल हम दे रहे हैं आपको। तो मेरे बेटा ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, घंटा बजा दोगे तो जैसे ही वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके फ़ोन में, घंटा बज जाएगा और आपको वीडियो मिल जाएगी, मिस नहीं होगी। डेली वीडियो प्रोवाइड करेंगे टिल एग्ज़ाम, तो अच्छे से तैयार कर लेना, अब आपके पास कोई टाइम नहीं बचेगा वरना। चलिए ठीक है मेरे बच्चों।